जैसा कि आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमें एमएस वर्ड के हर एक पेज पर अलग अलग हेडर फुटर का प्रयोग करना हो तो कैसे करेंगे। इससे पहले मैंने हेडर और फुटर पर ही एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने बताया है कि अगर हमें अपने एमएस वर्ड के फर्स्ट पेज पर अलग हेडर फुटर देना हो और बाकी जितने भी पेजेस हैं उस पर अलग हेडर फुटर देना हो तो कैसे दें। और उसी में हमने बताया है कि अगर हमें इवेंट पेज पर अलग हेडर फुटर देना हो और ओड पेज पर अलग हेडर फुटर देना हो तो कैसे देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आज हम क्या करना है, हमको एमएस वर्ड के हर एक पेज पर अलग अलग हेडर फुटर देना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे व्यूज ऑप्शन में। व्यूज ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से टू पेजेस कर लेंगे जिससे कि हमारा सभी पेजेस सेम दिखने लगेंगे। अब इस तरह से करने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जाना है पेज लेआउट में। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने पेजेस को ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा कर्सर है, कर्सर को लास्ट वाले जो लिखा हुआ वर्ड है उसके लास्ट में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब हमें जाना है ब्रेक ऑप्शन में। ब्रेक ऑप्शन में जाने के बाद नेक्स्ट पेज जो है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट पेज और सेकंड पेज होगा, जो ज्वाइनिंग होगी उसकी, वो ब्रेक हो जाए, यानी जो लिंक होगा उसका कनेक्ट होने का, वो टूट जाएगा। और उसी तरह हमको क्या करना है, सेकंड पेज के लास्ट पर कर्सर को रख लेना है और ब्रेक ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से जाने के बाद नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देना है। तो जो हमारा सेकेंड और थर्ड होगा उनके बीच में लिंकिंग टूट जाएगी। उसी तरह हम क्या करेंगे, थर्ड वाले पेज के लास्ट में रखेंगे और यहाँ से ब्रेक ऑप्शन में जाएंगे और नेक्स्ट पेज कर देंगे। तो जिससे कि हमारा जितने भी पेजेस होंगे सभी के बीच में जो ब्रेक हो जाएगा। अब ये इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, जाना है इंसर्ट ऑप्शन में। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से हेडर ऑप्शन में जाना है। हेडर ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ से जो भी हमारा हेडर लेना हो, जैसा भी स्टाइलिश हेडर लेना हो, वो हम यहाँ से ले लेंगे। तो हम ले लेते हैं। अब लेने के बाद जो हमारा हेडर और फुटर है वो शो होने लगा है। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारा हेडर और फुटर हो वो अलग अलग क्रिएट हो। तो उसके लिए हमारे सामने आता है जो, जैसे कि हेडर सेक्शन वन, हेडर सेक्शन टू, और उसी के राइट साइड में आपका दिया सेम एज प्रीवियस। सेम एज प्रीवियस यानी कि जो आपका हेडर और फुटर होगा, अगर आपका सेम एज प्रीवियस है तो उसके मतलब था कि हर एक पेज पर आपका एक ही हेडर और फुटर क्रिएट होगा। तो यहाँ से हमको क्या करना है, सेम एज प्रीवियस को हटा लेना है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करेंगे तो डिजाइन में ही हमारा क्या होता है, लिंक टू प्रीवियस। यहाँ से हमको इसके बीच में लिंकिंग को तोड़ना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिंक टू प्रीवियस को चेक कर देंगे। तो यहाँ से अनचेक हो जाएगा तो जो हमारा प्रीवियस होगा वो हट जाएगा। तो इसी तरह हमको क्या करना है, हर एक हेडर पर से हटा लेना है। तो हम कर लेते हैं और इस पर से भी हम क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं। अब हमारा जो हीडर का था वो लिंकिंग टूट गया। अगर हम हीडर का प्रयोग करेंगे तो हर एक पेज पर अलग अलग होगा। अब उसके बाद हमारा आता है फुटर भी। तो हमको क्या करना है, फुटर के बीच में भी लिंकिंग तोड़ना है। तो अब फुटर का कैसे तोड़ा जाता है वो देखते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपका जो सेक्शन यानी फुटर सेक्शन है उसके नीचे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है लिंक टू प्रीवियस में और इसको भी हम लिंकिंग का तोड़ लेंगे। तो इसी तरह हर एक पेज पर हम जाकर तोड़ लेते हैं, यहाँ से जाते हैं और लिंक टू प्रीवियस कर लेते हैं और इसी तरह हम इस पर भी कर लेते हैं। अब इतना करने के बाद जो हमारा प्रीवियस है वो टूट चुका है। अब यहाँ पर अगर हम हेडर और फुटर का प्रयोग करेंगे तो हर एक पेज पर हमारा अलग अलग हेडर फुटर क्रिएट होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हेडर का जो साइज है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। जाते हैं हम होम पर और यहाँ से साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं जिससे कि हमारा ये साथ साथ दिखे। जैसे कि यहाँ पर हमने जैसे ही साइज बढ़ाया तो सिर्फ हमारा फर्स्ट पेज का जो हेडर का साइज है वो बड़ा हुआ है और सेकंड पेज का नहीं हुआ है। तो यहाँ से हमको जो भी देना हो तो वो हेडर हम दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम दे देते हैं हाय और सेकंड का भी हम क्या करते हैं, यहाँ से साइज को बढ़ा लेते हैं। जैसे यहाँ पर साइज बढ़ाएंगे तो इसका भी साइज बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हम कुछ भी लिखना है, जो भी हेडर देना है वो हम दे देंगे। तो यहाँ पर हम दे देते हैं, यहाँ साइज हमारी छोटी हो गई, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 11 से हम 12-18 दिखा देते हैं। और देने के बाद यहाँ से हम जो भी हीडर देना वो हीडर दे देंगे। तो इसी तरह हमको क्या करना है, हर एक पेज पर अलग अलग हीडर देना हो तो हम दे सकते हैं। अब फुटर का प्रयोग करना हो तो क्या करेंगे, उसी तरह फुटर पर जाएंगे, क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद इसका भी साइज हम बड़ा कर लेंगे जिससे कि हमारा साफ साफ दिखे।
यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से जो भी देना हो वो हम दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर दे देते हो OTP, और उसी तरह हम सेकंड पर भी देंगे तो हमारा उसी तरह अलग रहेगा, इसका भी साइज बड़ा कर लेंगे। और यहाँ पर भी हम क्या करते हुए हैं OTP दे देते हैं। तो इस तरह से जो हमारा हेडर और फुटर होगा हर एक पेज पर अलग अलग क्रिएट होगा। अब आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पर कंप्यूटर से संबंधित नए नए टेक्निकल चीज़ लाते रहते हैं।